क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच कोलकाता में चल रहा है और अब इस डे नाइट टेस्ट मैच में बांग्लादेशी टीम की हालत खराब हो गई है। न सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी में बांग्लादेशी बुरी तरह परेशान हो गए, साथ ही साथ उनकी सेहत भी खराब हो गई है। मोहम्मद शमी ने दो बांग्लादेशी खिलाड़ियों का सिर फोड़ दिया, लेकिन इसी दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली ने जो जेस्चर दिखाया वो कमाल का था। भारतीय गेंदबाज ने ही बांग्लादेशियों को घायल किया, लेकिन विराट ने तुरंत मैदान में अपना डॉक्टर बुला लिया और तुरंत बांग्लादेशी खिलाड़ियों का इलाज कराया, जिसके बाद पूरी दुनिया में विराट कोहली की तारीफ हो रही है। तो आपको अंत में इसका पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन आप भी इससे पहले इस पर कमेंट जरूर करें। तो भारत के तेज गेंदबाजों ने कोलकाता में जमकर कहर बरपाया और सारे विकेट्स आपस में बांट लिए। अब इस दौरान भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार के साथ साथ तूफानी गेंदबाजी की और मोहम्मद शमी तो बांग्लादेशियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल साबित हो गए। शमी ने बांग्लादेशी बल्लेबाज नईम और लिटन दास को बुरी तरह घायल कर दिया, दोनों के हेलमेट को तोड़ दिया और सिर फोड़ दिया। लेकिन जब नईम को चोट लगी तो टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का बहुत बड़ा दिल वाला अवतार नजर आया। हुआ यूं कि मोहम्मद शमी की बॉल पर नईम को चोट लगी और बॉल नईम के सिर पर लगी थी, जिसके तुरंत बाद नईम की हालत खराब होने लगी। बांग्लादेशी फिजियो को मैदान में बुलाया गया, लेकिन बांग्लादेशी फिजियो के आने में काफी देर हो गई, तो तुरंत विराट कोहली ने टीम इंडिया के फिजियो नितिन पटेल को इशारा कर दिया और कप्तान का इशारा मिलते ही फिजियो नितिन पटेल मैदान में दौड़ते हुए पहुंच गए और बिना देर गंवाए नईम का इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर के इलाज के बाद ही नईम ठीक हुए। अब विराट कोहली की शानदार पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है, खुद बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों ने भी विराट को धन्यवाद कहा है। अब वैसे भी विराट को किंग कोहली कहा जाता है, तो उन्होंने दिखा दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है और उन्हें किंग कोहली यूं ही नहीं कहते। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।